नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल खाना पचाना में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ पनीर लबाबदार, जो कि एक बहुत ही कॉमन सी रेसिपी है और रेस्टोरेंट में जाओ तो सबसे पहले आपको यही डिश खाने को मिलेगी और हर रेस्टोरेंट में ये अवेलेबल होगी। तो आज चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर और दो हमने रफली चॉप किए हुए हैं टोमेटोस और दो हमने प्याज रफली चॉप किए हैं और दो तीन हरी मिर्च बारीक काट ली हैं और लाल मिर्ची पाउडर, हरी हल्दी पाउडर और ये है बटर और ये है ऑयल, रिफाइंड ऑयल है। मेलन सीड हैं एक चम्मच हमने लिया है और ये 10-12 काजू हैं, जीरा है एक चम्मच और दो तीन छोटी इलायची है, लौंग है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है और हरा धनिया बारीक कटा हुआ है, कसूरी मेथी है और ये लहसुन और अदरक है और ये स्वाद अनुसार नमक है और ये मलाई है और ये ग्रेटेड पनीर है। सबसे पहले हमने एक पैन रखा गैस पर और गैस ऑन करी और उसमें एक चम्मच ऑयल डाला है और ऑयल गर्म हो गया तो उसके बाद हमने जीरा डाला और दो तीन हरी इलायचियाँ डाली, छोटी इलायची और एक दो लौंग डाले और अब इसको हम थोड़ा थोड़ा भून लेंगे, जीरा ब्राउन हो जाएगा और इलायचियाँ भी थोड़ी भून जाएंगी। उसके बाद हमने जो लहसुन छील के रखा था, काटा नहीं है, साबुत ही है लहसुन की कलियाँ, वो डाल दी हैं और इसको सौटे कर लेंगे, हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे और अदरक भी मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है, बारीक नहीं किया है। तो अब हमारे लहसुन की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लहसुन भुन रहा है। अब हम इसमें प्याज जो हमने चॉप करके रखे थे वो डाल दिए हैं और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी थोड़ा सा सौटे कर लेना है हल्का गुलाबी होने तक और इसका कच्चापन चला जाए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें मोटे मोटे रफली चॉप किए हुए टोमेटोज। ये रफली चॉप इसलिए किए हैं दोस्तों क्योंकि हमने इनको मिक्सर ग्राइंडर में बारीक कर लेना है, इसकी अच्छी प्योरी तैयार कर लेनी है, तो इसीलिए हमने ये मोटे मोटे काट रखे हैं। अब हमने इसमें टमाटर डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दो तीन मिनट तक अच्छे से सौटे कर लेंगे, अच्छे से चलाते हुए और फ्लेम जो है मीडियम ही रखनी है। इसमें हमने नमक डाला है लेकिन नमक कम ही डाला है अभी हमने, क्योंकि बाद में भी हमने डालना है। अभी इसलिए डाला है क्योंकि टोमेटो जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और लाल मिर्च डाली है, हरी मिर्च भी हमने दो बारीक कटी हुई डाली है और लाल मिर्च भी कम ही डाली है, अभी तीखी डाली है और जो कलर के लिए है वो हम बाद में, लाल कश्मीरी मिर्च वो हम बाद में डालेंगे। अब हमने इसके अंदर खरबूजे के बीज डाले हैं 1 से 1.5 चम्मच और 10-12 काजू डाले हैं और 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी डाली। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से भून लेना है और इसको ठंडा करने के बाद हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है बिना पानी डाले। आप चाहो तो पानी भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है, तो एक अच्छे प्योरे इसकी तैयार कर लेनी है। अब हमारी ये ग्रेवी के लिए तैयार हो चुका है। अब हमने एक अलग से पैन लिया है और उसमें हमने 2 से 3 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल आप कोई भी ले सकते हो और उसके अंदर हमने 3 चम्मच नॉन सॉल्टी बटर डाला है। आप चाहे तो सॉल्टी बटर भी ले सकते हो, मैंने घर पे बनाया हुआ जो बटर था वही यूज़ किया है, तो आप चाहो तो दोनों चीज़ें आधी आधी भी ले सकते हो, जैसे 3 चम्मच बटर और 3 चम्मच ऑयल, और या ऑयल ज़्यादा ले सकते हो बटर कम ले सकते हो, क्योंकि हेल्दी तो ऑयल ही रहेगा, बटर ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो इसीलिए। उसके बाद अब हमारा ये दोनों चीज़ें गर्म हो गई तो हमने ये कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 चम्मच डाला है कि इससे क्या होगा कि सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा, तो वो कलर के चक्कर में हमने ये लाल मिर्च डाली है और अब हमने जो पीस के ग्राइंड करके जो हमारी ग्रेवी तैयार रखी थी वो इसमें डाल दी और इसमें हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिया है और
बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको एक उबाल आने तक पकाएंगे। देखिए कैसे उबाल आ रहा है हमारी ग्रेवी के अंदर। और अब हम इसके अंदर पनीर के टुकड़े जो हमने काट के रखे थे वो डाल दिए हैं और सारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ये लबाबदार पनीर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और बहुत ही फेमस है ये सब्ज़ी। देखिए बहुत अच्छे से हमारे इस सब्ज़ी में उबाल आ रहा है। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे जो कि हमने पहले बहुत कम डाला था, तो अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसके अंदर ग्रेट किया हुआ पनीर भी डालेंगे। इस पनीर का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये करीब करीब हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर मलाई डालेंगे, 2-3 चम्मच हम मलाई डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई डालने के बाद दोस्तों इसको गैस पे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है वरना ये फट जाएगी मलाई जो है सब्ज़ी के अंदर जाके। तो अब हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और उसके ऊपर हमने ग्रेट किया हुआ पनीर फिर से डाल लेना है और गार्निश के लिए हरा धनिया डालेंगे। तो दोस्तों हमारी लबाबदार पनीर तैयार हो गया है, तो आप भी बनाइए, अपने गेस्ट को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही स्वादिष्ट है सब्ज़ी। तो फिर हम नई एक रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिएगा।